हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज 26 अगस्त एंड योर चैप्टर 5th फ्रैक्शंस वाज गोइंग ऑन। इन द लास्ट क्लास आई हैव स्टार्टेड मिक्स्ड बैक क्वेश्चंस एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव स्टार्टेड ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन फिनिश्ड। नाउ आई वांट टू कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम बी पार्ट। इन बी पार्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन 12/36 रिड्यूस्ड टू द लोवेस्ट टर्म इज। देयर आर द 4 ऑप्शंस हैज बीन गिवन and in these options there is a correct answer, so that is the duty to find out the correct answer. 12/36 fractions दिया है, इसको आपको lowest term में convert करना है and 4 answers है आपको यहाँ दिए हुए, so आपको ये find out करना है कि क्या answer इसका सही है. So here you will write fraction is equal to 12/36. स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट इन द लोवेस्ट टर्म, जब आप किसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में करोगे, सो हियर विल इट देयरफॉर लोवेस्ट टर्म। तो लोवेस्ट टर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, किसी एक डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा एक नंबर से, ठीक है। सो हियर यू कैन सी इट द फ्रैक्शन हैज बीन गिवन 12/36। सो 12/36 इज इजिली डिविजिबल बाय 12, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, सो योर आंसर इज इक्वल टू 1/3। 1/3 इज द लोवेस्ट टर्म एंड यू कैन सी इट हियर इन द ऑप्शन, देर इज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज योर करेक्ट आंसर। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सो हियर यू विल राइट आंसर थर्ड पार्ट 1/3। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। In C part, the fractions has been given 5/3 and 10/9. You will divide 5/3 from 10/9. It has been given. It means 5/3 divided by 10/9. So, students, there are the 4 options. What is the correct option? You can choose it here. You can see the solution. Fractions has been given 5/3 divided by 10/9. स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड टू यू, अगर आपका यहाँ साइन डिविजन का बना है, सो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन के साइन में कन्वर्ट करोगे। इट मीन्स 5/3 इंटू, देन आफ्टर दैट जो भी डिविजन के बाद का फ्रैक्शन होगा आप उसे क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। रेसिप्रोकल मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू अबाउट इट, वेन द यू विल कन्वर्ट द नंबर न्यूमरेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रॉम न्यूमरेटर। आपका न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर का नंबर हो जाएगा और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर का नंबर हो जाएगा। इट मीन्स 10/9 की जगह क्या हो जाएगा बेटा, 9/10। सो हियर यू विल फाइंड आउट द फ्रैक्शंस 5/3 इनटू 9/10। सो नाउ यू कैन सी इट हियर, आई हैव सीन देयर आर द फर्स्ट ऑप्शन 5/3 इनटू 9/10, दैट आंसर इज करेक्ट। सो यू कैन राइट द आंसर फर्स्ट 5/3 इनटू 9/10। क्लियर? आपको इससे आगे सॉल्यूशन के लिए नहीं कहा, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ आपको उन्हीं 4 ऑप्शंस में ही आंसर बताना था। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ डी पार्ट। इन डी पार्ट द क्वेश्चन हैज बीन गिवन द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज। आपका 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? सो ऑप्शन नंबर 1 हैज बीन गिवन लेस देन 1, ऑप्शन नंबर 2 हैज बीन गिवन ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर 3 इज इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज कैन नॉट बी फाइंड। रिमेंबर स्टूडेंट्स, 1 का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इक्वल होगा 1 के, सो योर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो यू विल राइट द आंसर थर्ड इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, लुक ई पार्ट। इन ई पार्ट द क्वेश्चन इज व्हाट नंबर एडेड टू 1 होल नंबर 3/4 गिव्स 2। इट मींस आप 1 होल नंबर 3/2 में क्या नंबर ऐड करें कि आपको 2 मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर 2 इज ग्रेटर बिकॉज आपको इसमें ऐड करना है, एडिशन के लिए करा है कि 1/3/4 में क्या ऐड करें तो 2 आ जाए। सो टू फाइंड आउट दैट नंबर यू कैन सब्ट्रैक्ट इट, ओके। सो हियर यू विल राइट वी शुड एड इज इक्वल टू 2 - 1 होल नंबर 3/4। इट मीन्स आपको ये पता करना था कि 2 पाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करें इस फ्रैक्शन में, इस होल नंबर में, ओके। सो आप 2 से क्या करोगे, 1 होल नंबर 3/4 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो 2 माइनस फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर टू होल नंबर, देन आफ्टर दैट विच आंसर यू विल गॉट, देन यू विल एड ऑन द न्यूमरेटर। सो 4 × 1 = 4, 4 + 3 = 7। सो हियर यू विल राइट 7/4। सो नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द टू
देयर इज नो नंबर ऑफ द डिनोमिनेटर, सो यू कैन पुट इट हियर वन. वन एंड फोर का एलसीएम बेटा फोर होगा. ओके, सो वन से आप फोर में बेटा डिवाइड करोगे, सो आफ्टर दैट यू हैव गॉट फोर. देन फोर आपको डिवीजन के बाद आंसर मिला, आप उस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे. फोर टू जा एट. ओके, एट माइनस सेवन अपॉन फोर हैज बीन गिवन इन द सेकेंड फ्रैक्शन. इन द सेकेंड फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज फोर. डिनोमिनेटर से आप एलसीएम के नंबर में डिवाइड करोगे, इट मीन्स फोर से फोर में आप डिवाइड करोगे, सो वन यू विल गॉट. जब आप फोर से फोर में डिवाइड करोगे सो आपको वन मिलेगा. देन डिवीजन का जो आंसर है आप उसे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, सेवन इंटू वन इक्वल टू सेवन. सो नाउ यू हैव गॉट एट माइनस सेवन इक्वल टू वन, वन अपॉन फोर. आपको क्या आंसर मिला, वन बाई फोर हैज बीन गिवेन. एंड इन द क्वेश्चन बेटा देर आर द फोर ऑप्शन, हियर आई हैव नॉट रिटन द ऑप्शन, आई हैव मिस्ड इट, सो आई हैव राइट इट हियर. First option has been given 1, second option has been given 1 by 2, third option has been given in the question 1 by 4, and fourth option has been given 3 by 4. So now students, you can see it here, your third option has been tallied from here, आपका third option इससे tally हो रहा है, so your correct answer is 1 by 4, that is your third answer, third point. So answer you will write, answer is equal to third, 1 by 4. Clear students? Students, look question number 2. In question number 2, it has been given, find two equivalent fractions of each, use multiplication or division whichever is easier. And the fractions has been given here A, B, C, D, E. There are the 5 questions has been given in second part. Okay, so आपको division या multiplication का method आपको follow करते हुए टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेने हैं. ठीक है, जो भी विच एवर इज इजियर, आप चाहे डिवीजन लो चाहे मल्टीप्लीकेशन लो, जो आपको इजी लगेगा उसके बेस पर आपको इसे सॉल्व करना है. यू विल फाइंड आउट द टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच फ्रैक्शन हियर. ओके, सो लुक हियर, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 3 बाई 7. ओके, सो आफ्टर दैट दैट ए पार्ट हैज बीन गिवन 3 बाई 7. सो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3 by 7 into 2 upon 2. Remember students, आपको equivalent fraction निकालने के लिए अगर आपका number already lowest term में है so आपके लिए multiplication जो होगा वो easy पड़ेगा. अगर आपका lowest term में नहीं है so division method then आपको easy पड़ेगा. So look here, in this 3 upon 7 is the लोवेस्ट टर्म. 3 अपॉन 7 क्या लोवेस्ट टर्म में है, सो आप क्या करोगे, किसी भी नंबर से आप न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर. सो हमने यहाँ 2 नंबर ले लिया, 2 से हम न्यूमरेटर यानी 3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से हम 7 में भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट 3 टू जा 6 एंड 7 टू जा 14. क्लियर, सो दैट इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ लुक द सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बेटा आपको एक बार जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे उस नंबर से आप दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कोई अनदर नंबर लोगे. सो 2 से एक बार हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, सो हम नेक्स्ट नंबर 3 ले लेते हैं. ठीक है, 3 अपॉन 3, इट मीन्स आप 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे और 3 से डिनोमिनेटर में. सो 3 3 जा 9 एंड 3 7 जा 21. सो हियर वी हैव गॉट द टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 7. सो यू विल राइट द आंसर, आंसर 2 इक्विवेलेंट fractions of 3 by 7 is equal to 6 upon 14 and 9 upon 21. It means 3 upon 7 का जो हमारा 2 equivalent fraction आ रहा है वो क्या आ रहा है, 6 upon 14 आ रहा है and 9 upon 12 आ रहा है. So that is your answer. Okay, now look the B part of question number 2. So students, in B part the fraction has been given 2 by 9. You can see 2 by 9 is also in the lowest term. 2 by 9 क्या already lowest term में है. So that fraction I have given to you in your homework. So you will find out the two equivalent fractions. I think multiplication is easy here to find out the equivalent fractions. आप multiplication method अगर आप इस fraction में follow करोगे so easy way में आप find out कर सकते हो. So that question you will solve in your homework. Now in the C part the fractions has been given 12 by 36. You can see 12 by 36 is not in the lowest term. आप देख सकते हैं 12 by 36 क्या lowest term में नहीं है. So first you will convert it. So when the lowest term में ये convert नहीं होगा, so I have told to you, अगर आपका lowest term में कोई fraction है, so अगर आपको equivalent fraction निकालना है, so आप उसे multiplication में निकालोगे.
अगर लोएस्ट टर्म में नहीं है सो इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय द डिवीजन मेथड. सो हियर आई विल फाइंड आउट द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड. फ्रैक्शन हैज बीन गिवन 12/36. सो हियर आई कैन सी इट हियर 12/36 इज इजली डिविजिबल बाय 2 बिकॉज बोथ आर द इवन नंबर. सो 2/2. ओके सो अगर हम 2 से 12 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6. 2 से 36 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 18. सो दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 6/18. दैट इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. देन आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 12/36 डिवाइड बाई 3/3. 12 और 36 के आपके 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे. सो व्हेन वी विल डिवाइड 12 फ्रॉम 3 सो वी विल गॉट 4. 3/4 आर 12. एंड जब हम 3 से 36 में डिवाइड करेंगे सो वी विल गॉट 12. ओके सो दैट इज द टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 12/36. ओके एंड 12/36 बेटा 12 से भी डिवाइड हो सकता है. ओके 6 से भी डिवाइड हो सकता है. सो आपको जो सुविधा हो आप जो टेबल आपको इजी वे में याद हो आप उससे उसको डिवाइड कर सकते हैं. सो यू विल राइट द आंसर. आंसर इज इक्वल टू 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 12/36 इज इक्वल टू 6/18 एंड 4/12. क्लियर स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क द क्वेरी विद मी. ओके आप यहां किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. कहीं कोई दिक्कत होती है सो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस. ओके नाउ स्टूडेंट्स डी पार्ट फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन हैज बीन गिवन 28/70. दैट क्वेश्चन यू विल सॉल्व इन योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स हम जहां तक अंदाजा लगाते हैं दैट इज द इजी मेथड हियर विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन. डिवीजन मेथड से अगर आप इसके टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे सो आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज 28/70 इज नॉट इन द लोवेस्ट टर्म. ओके नाउ लुक द ई पार्ट. इन ई पार्ट द फ्रैक्शंस हैज बीन गिवन. फ्रैक्शन हैज बीन गिवन 20/100. सो यू कैन सी 20/100 इज ऑल्सो नॉट इन द लोवेस्ट टर्म. सो यू कैन फाइंड आउट द फर्स्ट इक्विवेलेंट और सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड. सो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 20/100. ओके सो स्टूडेंट्स आई कैन सी इट हियर 20 एंड 100 हैज बीन गिवेन. सो यू कैन इजिली डिवाइड इट विद द हेल्प ऑफ द 10 ऑल्सो. सो 10 2 20, 10 10 100. ओके सो 10 10 100 एंड 10 2 20. सो दैट इज योर फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. एंड व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट इट सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 20/100. बेटा 20/100 इजिली किससे डिवाइड हो जाएगा 20 से हो जाएगा. सो 21 20, 25 100. सो नाउ यू कैन राइट द आंसर. आंसर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 20/100 इज इक्वल टू 2/10 एंड 1/5. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स लुक द क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड हैज बीन गिवन. कंपेयर द फ्रैक्शंस पुट लेस देन और ग्रेटर देन इन द सर्किल. इफ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट पुट इक्वल इन द सर्किल. आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शंस जो दिए हैं कि विच फ्रैक्शंस आर ग्रेटर और स्मॉलर और इक्विवेलेंट. ओके सो लुक हियर ए पार्ट हैज बीन गिवन 1/7 एंड 1/9. सो हियर यू विल फाइंड आउट द ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल फ्रैक्शन. सो हियर यू कैन चेक इट. 1/7 एंड 1/9 हैज बीन गिवन. सो आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू अबाउट दैट. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सो फर्स्टली यू विल सी दैट योर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल और नॉट. इफ द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल सो दैट इज योर फर्स्ट ड्यूटी टू इक्वलाइज इट विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम. सो इन द फर्स्ट फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 7 एंड इन द सेकंड फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज 9. सो लुक हियर हाउ कैन वी फाइंड आउट द LCM 7 and 9 3 7 as it is 3 3 is a 9 then 3
7 and 1. Then 7 will be divisible by 7. So LCM is equal to 3 into 3 into 7. 3, 3 is a 9. 9 into 7. 7 9s are 63. Okay. So here you will write 63. Okay. So in the first fraction you can see it. The denominator is 7. So aap denominator se LCM ke number par divide karoge. So denominator is 7 and LCM number is 63. So 7 9 is 63. So you will get after division 9. Then 9 ko aap numerator mein multiply karoge. 9 into 1 is equal to 9 means 9. Okay. Now same pattern you will follow in the second fraction. Second fraction is 1 by 9. 9 se aap 63 mein divide karoge. So 7 times it will be divisible. 9 7 is 63. So 7 se aap numerator mein multiply karoge. 7 into 1 is equal to 7. So you can write it here also. 9 upon 63 and 7 upon 63. So students, you know about that the denominators are equal here. So you can easily find out that which fraction is greater. Yes, 9 is greater because 9 upon 63 is greater because 9 is greater than the comparison of 7. So you can put the sign here. Okay. And that is your first fraction. So you can write the answer. Your first fraction is 1 by 7. Then you can write the symbol. Is 1 by 7 is greater than 1 by 9. Okay. First fraction is 1 by 7 and second fraction is 1 by 9. So as per this, you can write the greater fraction or a smaller fraction. Clear, beta? Students, look B part of question number 3. In B part, the fractions has been given 3 upon 11 and 3 upon 13. So here you will also find out the greater, smaller or equal fraction. So look here. Here the denominators are not equal. So first you will find out the LCM to equalize the denominator. So denominators are 11 and 13. 11 will be divisible by 11 and 13 will be divisible by 13. Okay. So LCM is equal to 11 into 13. So you will multiply 13, then 13, 143. Okay. So we have write the LCM 143. Okay, students. In the first fraction, the denominator is 11. 11 से आप 143 में divide करोगे, जो आएगा आप numerator यानी 3 में multiply करोगे. So students, you can see it here. आप 11 is the denominator. 11 से आप 143 में divide करते हो, so 11 बन जाए 11. Then 4 minus 1 is equal to 3. 3 you will be noted down. 11 3 is 33. So 13 you have got. Then 13 को आप numerator से multiply करोगे. 13 3 is 39. Okay. Then after that, in the second fraction, you can see it. The denominator is 13. 13 से आप 143 में divide करोगे. So 13 ones are 13. 1 and 3. 13 ones are 13. So you have got 11 here. So 11 into 3 is equal to 33. So now it means that is called 39 upon 143 and 33 upon 143. So you can see it here. The denominators are equal. So on the basis of the numerator, you can find out the greater or smaller fraction. 39. 39 is greater than the comparison of 33. It means 39 upon 143 is more than the comparison of the, is more than 33 upon 143. Okay. It means your first fraction is greater than the comparison of the second fraction. So you will write the answer. Your first fraction that has been given in the question, 3 upon 11. And second fraction is 3 upon 13. So here you will add 3 upon 11 is greater than 3 upon 13. So you can put the symbol also here. Okay. So that is your answer. So students, aaj ki class mein itna hi. Okay.